वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन दिस अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस टॉपिक में हम लोग एक मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए ड्रग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो क्या टॉपिक है? प्रो ड्रग्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके थोड़े से बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रो ड्रग कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है, क्या चीज़ से किसको कन्वर्जन किया कर जाता है, इसकी नीड क्या है, किस तरीके से किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसका जो भी थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट है वो सारा कवर अप करेंगे और कुछ इसके हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे जो हम लोग के प्रोड्रग्स मार्केट में हैं, जो हम लोग के यूज़ किए जा रहे हैं, कौन कौन सी थेरेपीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं, कौन कौन से टारगेट्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोड्रग कॉन्सेप्ट। अब प्रोड्रग कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ अ प्रोड्रग। सो इफ़ मैनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि प्रोड्रग क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ड्रग्स है, ड्रग्स के आगे प्रो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में या फिर फार्मेसी में जब बात करते हैं हम लोग ड्रग्स की, तो ड्रग्स आपके क्या होते हैं, थेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं। थेराप्यूटिक एजेंट्स मतलब जो एजेंट्स आपकी किसी भी थेरेपी या किसी भी ड्रग किसी भी टारगेट को किसी भी डिजीज़ के लिए टारगेट किए जाते हैं, वहाँ पे उस डिजीज़ से थोड़ा सा रिलीफ देने में हेल्प करते हैं, तो उस डिजीज़ को साइड इफेक्ट सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए या उस डिजीज़ को कॉम्बैट करने के लिए जो एजेंट्स यूज़ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोला जाता है। सो ड्रग्स है, अब ड्रग्स के आगे क्या लगा हुआ है, प्रो लगा हुआ है, तो समझ में आ जाएगा कि ड्रग्स से पहले कोई चीज़ है। प्रो मतलब जो चीज़ विच इज़ हैपनिंग बिफोर ड्रग। तो एक्चुअली में प्रो ड्रग क्या है, एक ड्रग्स में हमने कुछ ऐसे पार्ट्स लगा दिए गए हैं और उनको प्रो ड्रग बना दिया गया है। ड्रग हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म को ड्रग बोलते हैं, थेरेप्यूटिक एजेंट बोला जाता है, विच गिव सम काइंड ऑफ शो सम फार्मास्यूटिकल एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन जिसके पास होता है टू कॉम्बैट एनी डिजीज़ या उसके टारगेट को। प्रो ड्रग मतलब वो क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म। पहली चीज़ आपको समझ लेनी है कि जो हमारे प्रो ड्रग्स होते हैं वो कम्प्लीटली इनएक्टिव होते हैं, उनके अंदर खुद की कोई भी बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, दे आर इनएक्टिव फॉर्म। अब इनएक्टिव फॉर्म है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है आपका, इनएक्टिव फॉर्म का किस में कन्वर्जन हो रहा है, एक्टिव फॉर्म में। तो ये हमारा ड्रग होता है और ये हमारा प्रो ड्रग होता है। तो प्रो ड्रग्स इनएक्टिव होते हैं और वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं एक्टिव फॉर्म में, और जो कन्वर्जन हो रहा है वो कहाँ पर होता है पता है आपको, वो बॉडी के अंदर होता है, इट इज़ नॉट हैपनिंग आउटसाइड, इन विट्रो नहीं हो रहा है। कभी भी कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर जब होती है उसको इन वीवो बोलते हैं, और बॉडी के बाहर होती है उसको इन विट्रो बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर जो होने वाली होती है उसको इन वीवो है, तो इन वीवो किया जा रहा है। जब इन वीवो कोई भी चीज़ होती है उस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज़ ए बायो ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग वेयर द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनी ड्रग इज कन्वर्टेड टू अ एक्टिव फॉर्म थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन वीवो टू जनरेट प्रो ड्रग टू जनरेट अ ड्रग। तो इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट। वो हमारा प्रो ड्रग क्या है, पहली चीज़ पहला पॉइंट दैट इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग विच गेट्स कन्वर्टेड इन साइड बॉडी इन वीवो टू दिट्स एक्टिव फॉर्म। अब समझ, ये मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि हमें ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि हम लोग को इनएक्टिव फॉर्म बनाने की पहले क्यों ज़रूरत पड़ रही है, हम उसको एक्टिव फॉर्म क्यों बना रहे हैं बाद में। हम डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म को भी तो ड्रग के ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रग, बट कहीं ना कहीं ऐसा ये प्रो ड्रग कॉन्सेप्ट आपको हर जगह नहीं दिखेगा। जहाँ पर एक्टिव फॉर्म दिया जा सकता है वी एडमिनिस्टर एक्टिव फॉर्म, बट कभी कभी होता है एक्टिव फॉर्म कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वी कैन नॉट एडमिनिस्टर एक्टिव फॉर्म एज अ होल, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका प्रो ड्रग बनाना पड़ता है। प्रो ड्रग बनाने से दो तीन तरीके से होता है एक्टिव फॉर्म को मतलब कि बॉडी तक पहुंचाने में, तो हम प्रो ड्रग बनाते हैं उसमें से। अब प्रो ड्रग बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसके रीजंस व्हाई वी नीड प्रो ड्रग, ऐसी कौन कौन सी जगह पे ज़रूरत पड़ती है हमें प्रो ड्रग बनाने की, तो उसके लिए हम लोग के पास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, सर्कमवेंशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स के बारे में अगर हम समझेंगे तो दीज आर नोन एज कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग को प्रो ड्रग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई भी ड्रग हम लोग ओरली ले रहे हैं तो
तो ओरली लेने के लिए उसको वाटर सॉल्यूबल या फिर उसके अंदर पोलर नेचर होना बहुत ज़रूरी है ड्रग के अंदर। अब वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं है, अगर सपोज करिए हमारा ड्रग नॉन पोलर नेचर का है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मिक्सिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, वो स्टमक के थ्रू नहीं पास ऑन कर पाएगा। तो उस प्रॉब्लम को एनहेंस करने के लिए तो ऐसे ड्रग्स में क्या किया जाता है, कभी कभी हम लोग वो क्या होता है, सपोज करिए इस ड्रग को कहीं हमारे ट्रैवल करके स्टमक के थ्रू किसी और पार्ट में जाना है, बट वहाँ तक जाने के लिए पहले स्टमक का ट्रैवल टाइम यूज़ करना पड़ेगा, तो हम सॉल्युबिलिटी वहाँ पे है नहीं उस ड्रग की, तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर एक प्रोडक्ट की लेयर लगा देते हैं, प्रोडक्ट लगा देते हैं, ऐसे ग्रुप्स लगा देते हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको उस जगह तक पहुँचा सके, और जैसे वहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक जाके फिर वो प्रोडक्ट आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक्टिव फॉर्म में जाकर वो एक्शन दे देगा। अच्छा, ये मैंने बोला ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स होंगी उन्हीं के एंजाइम्स के द्वारा ही किया जाता है। सो वी मेक श्योर कि कौन कौन सी एंजाइम के साथ उस ड्रग का इंट्रैक्शन होने वाला है उस पाथ में, तो हम लोग जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसी टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ताकि वो ईजिली एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि वो उनका इंट्रैक्शन होने वाला है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इनको क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अगर हमारे ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल अच्छा करना है, बढ़ाना है, तो हम लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। वही वाली चीज़ है कि बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, हाइड्रोफोबिसिटी का प्रॉब्लम आ गया है, तो उस तरीके से तब हम लोग प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। यही सेम पॉइंट आ जाएगा साइट ऑफ एक्शन कि मेरी साइट ऑफ एक्शन जहाँ पर मुझे ड्रग को पहुँचाना है वहाँ पर मेरा ड्रग पहुँच ही नहीं पा रहा, उससे पहले ही उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है या वो पहले जाके डिग्रेड हो जा रहा है या कुछ उसका जो ट्रैवल टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ करने के लिए, वहाँ तक साइट ऑफ एक्शन पहुँचाने के लिए हम लोग उसको प्रोडक्ट बना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट अटैच कर देते हैं और प्रोडक्ट आपका लास्ट तक ट्रैवल रहता है उसके पास जब तक वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुँचता है। जैसे ही साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचेगा वो प्रोडक्ट लीव कर जाएगा एंड वी गेट ओनली दी एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग जो जाकर अपने ड्रग टारगेट के साथ, रिसेप्टर के साथ, टारगेट के साथ रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा और वहाँ पर अपना डिजायर्ड एक्शन शो करेगा। कभी कभी क्या होता है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, हमारे ड्रग्स स्टेबल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम तक उनकी शेल्फ लाइफ से अगर आगे रख देते ड्रग क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उनकी कलर, आपने टैबलेट्स के साथ देखा होगा उनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं, उनके कलर्स फेड डाउन हो जाते हैं या वो मोटी मोटी कोटिंग ऊपर जमना शुरू हो जाती है उनके ऊपर, सिरप्स में भी आपकी दो लेयर्स बन जाती हैं। तो ये सारी स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकता है वो इन विट्रो में वो एक्टिव ना हो, तो उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। फिर प्रोलॉन्ग रिलीज़, कभी कभी हाँ आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है सस्टेन रिलीज टैबलेट्स या फिर एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स कि हम लोग पेशेंट कॉम्प्लायंस बढ़ाना है, हम लोग दिन में चार बार टैबलेट लेने की जगह सिर्फ दिन में एक बार टैबलेट रिलीज करें, तो उस टाइम पे प्रोलॉन्ग रिलीज के लिए भी हम लोग ये अपना प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। फॉर्मुलेशन में कि वो सिरप फॉर्म में बन नहीं, मतलब कि ओरल देने में क्योंकि ईजी नहीं है तो हम लोग उसको सिरप फॉर्म बना दे रहे हैं, हम लोग उसको नैनो पार्टिकल्स बना दे रहे हैं। आजकल तो NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ गया है, तो वो क्या होता है, फास्टर फॉर्मुलेशंस होते हैं जो फास्टर ड्रग को रिलीज़ करा के आपके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाते हैं। सो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है देन वी गो फॉर प्रोड्रग वाला। टॉक्सिसिटी होती है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे उस पार्ट के लिए, तो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो हमारे बाकी पार्ट्स के लिए हो सकता है टॉक्सिक निकल आए, बट जहाँ पर एक्शन प्रोड्यूस करना है वहाँ के लिए उनकी नीड हो, तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए वी मेक अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, हम लोग प्रोडक्ट्स अटैच करते हैं और टॉक्सिसिटी को रिमूव करते हैं। अब कोई भी ड्रग हमने ओरली ले रहे हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, अनप्लेजेंट ऑडर है, टेस्ट है, तो हम उसको मास्क करने के लिए कुछ ऐसे एजेंट्स डाल देते हैं प्रोडक्ट्स में कि वो थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा लगे। आज पहले के सिरप जैसे आप देखते होंगे तो थोड़ा सा कड़वे रहते थे, अब थोड़ा सा उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाल दिया जाता है या कुछ है, तो उस तरीके से अनप्रेजेंट टेस्ट और ऑर्डर को मिनिमम वो करके काउंटर एक्ट करने के लिए बेस्ट एग्जांपल होते हैं। बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं कि आपको मतलब कि अच्छे से नहीं खाया जा रहा है, उनका एक साइट वो जो ऑर्डर है स्मेल वगैरह है, तो उसको मास्किंग करनी होती है, तो वो मास्किंग करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपने ड्रग्स के साथ, उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको मिनिमल करने के लिए वी गो विद द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सो अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली यूज़ होते हैं जिसको हम लोग स्टडी करें और उनको समझते हैं कि वो फाइनली प्रोडक्ट से एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं। सो लेट्स सी कि अब हम लोग कैसे, मतलब कि ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं
और कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनको हम लोग को प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोग अब यहाँ देख लेते हैं। तो अब क्या होता है कि सपोज़ करिए, अभी तक जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी लास्ट सेक्शन में कि क्या क्या वो प्रॉब्लम्स थी, सॉल्युबिलिटी एक्स वाई जेड, उसको मैंने यहाँ पे बैरियर का नाम दे दिया। सपोज़ करिए ये सारे बैरियर्स हैं हमारी प्रॉब्लम है। मेरा एक ड्रग है, अब वो एक्टिव फॉर्म में ड्रग लिया है मैंने, अब मैं एक्टिव फॉर्म में ड्रग देता हूँ, बट ये बैरियर्स की वजह से वो ड्रग हमारा, ये समझ लीजिए इंट्रासेलुलर है और ये इन विट्रो है, बॉडी के एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो बॉडी के बाहर वाला है, ये बॉडी के इन वाला है। तो बाहर से जब अंदर जाना चाह रहा है, बट ये बैरियर्स की वजह से ये ड्रग हमारा, दिस बैरियर्स आर नॉट अलाउिंग दैट ड्रग टू कम टू दी टू रीच टू दी साइट ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर वो ड्रग नहीं पहुँच पा रहा है, ड्रग का एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग ने क्या किया, हमने उसके आगे एक प्रोड्रग बना दिया। प्रोड्रग का काम होता है वो सारे बैरियर्स, जो भी रिस्पेक्टिव बैरियर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को उनके आगे, ड्रग के आगे लगा दिया जाता है। अब ये ड्रग्स को हमारे क्या करेंगे, इनसे आउट से इन कर देंगे, ठीक है, इनसाइड ले आएंगे और उस जगह पर पहुंचा देंगे। और जब वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाता है, जहां पर उसको अपना एक्शन देना है, वहां पर जाके ये क्या होता है, वो हमारा जो भी एंजाइम्स वगैरह होंगी वो एक्ट करेंगी इस बॉन्ड पर, उस बॉन्ड को क्या करेंगी, ब्रेक अपार्ट कर देंगी और हमारे एक्टिव ड्रग को रिलीज़ कर देंगी और प्रोडक्ट अपना अलग हो जाएगा। और ये एक्टिव ड्रग हमारा क्या दे देगा, थेराप्यूटिक एक्शन दे देगा, जो एक्शन के लिए हमें चाहिए तो वो दे देगा। तो बेसिक सा समझने का फंडा यही है कि प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि हमारा जो एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग था वो हमारे साइट ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंच पा रहा था, बायो अवेलेबिलिटी उसकी नहीं बढ़ रही थी, इन दैट केस उसका क्या हो रहा था, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जो पोटेंशियल एक्शन है, वो उसका वहाँ नहीं मिल रहा था, जो हम लोग को डिजायर्ड एक्शन चाहिए था वो वहाँ पर ट्रीट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इट वॉज नॉट एबल टू रीच टू दैट पॉइंट। तो अब हमने क्या किया, किसी तरीके से एक नया केमिकल ग्रुप अटैच कर दिया गया, केमिकल मोइटी अटैच कर दी और उसके थ्रू हमने उसको वहाँ तक पहुँचा दिया और फाइनली कर लिया। अब इसका एक क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को और ज़्यादा यूज़ क्यों होने लगा, क्योंकि क्या होने लगा था, सपोज़ करिए कोई ओरल ड्रग था, अब ओरल रूट से वो नहीं पहुँच पा रहा था क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म हो जा रहा था, साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जा रहा था। तब हम लोगों ने क्या किया, आईवी रूट देना शुरू कर दिया कि डायरेक्टली ब्लड में ही इंजेक्ट कर दो अपने ड्रग को तो आपका तुरंत एक्शन मिल जाएगा, दैट इज़ रियली गुड। बट वो क्या होता है कि इन्वेजिव टेक्निक होती है, पेशेंट कॉम्प्लायंस उसमें नहीं मिल रहा है। पेशेंट कॉम्प्लायंस होने का मतलब होता है कि पेशेंट उसको इजीली ले सके, अब इन्वेजिव टेक्निक है, पेशेंट खुद से नहीं ले सकता, उसको कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा उस ड्रग को लेने के लिए, इंजेक्शंस को लेने के लिए। तो इस वजह से उनको, उनकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है बट दे आर नॉट पेशेंट कॉम्प्लायंट। तो इसलिए क्या किया गया, प्रोडक्ट को लिया गया कि पेशेंट इजीली इनको खुद से ले सके और बॉडी के अंदर जो नॉर्मल एंजाइम्स के ब्रेक थ्रू के थ्रू हमारा एक्टिव ड्रग फॉर्म का रिलीज हो सके, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब सपोज़ करिए इनिशियली पॉइंट पे अगर देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो, जैसे कि हमारे एसिड्स ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाते, उनको एक्टिव फॉर्म में एसिड ग्रुप है बट उनको हम लोग को मास करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उनको ईस्टर्स के प्रोडक्ट लगा देते हैं, अमाइड्स के प्रोडक्ट लगा देते हैं या फिर कार्बामेट्स के, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कार्बामेट्स के प्रोडक्ट लगाकर उनको हम लोग मास्क कर देते हैं। और जब ये बॉडी के अंदर पहुंच के साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचते हैं, अलग अलग एंजाइम ईस्टरेज एमिडेज वगैरह करके ऐसी एंजाइम्स होती हैं, वो सारी इनको, इस ग्रुप को क्लीव ऑफ कर देती हैं और हमारे एक्टिव इसको रिलीज़ करा देती हैं एसिड ग्रुप को। और जब एसिड ग्रुप रिलीज हो जाता है तो वो अपना डिजायर्ड एक्शन दे देता है। सिमिलर वे में हमारा जो हाइड्रोक्सिक ग्रुप होता है, विच इज़ वन ऑफ द गुड ग्रुप, ठीक है, तो अगर वो हमारा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं क्लीव ऑफ, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बैरियर के थ्रू, वो पास नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उनको ये वाले प्रोडक्ट्स लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट्स लगाने से सपोज करिए ईथर ग्रुप लगा लेंगे या फिर हम लोग ईस्टर्स तो डिस्कस कर ही चुका हूँ मैं, या फिर फॉस्फेट ग्रुप लगा लेते हैं। तो इन तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, इनको वो कर देते हैं, मास्क करते हैं एंड देन हमारी बॉडी की जो एंजाइम्स होती हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, जो एंजाइम्स होती हैं मेटाबॉलिक एंजाइम्स, दे वो प्ले देयर पार्ट और इनको क्लीव ऑफ करके हमारे एक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिलीज कर देती हैं एंड देन इट गिव्स इट्स डिजायर्ड एक्शन। तो इस तरीके से हम लोग प्रोड्रग के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं बॉडी में टू रिलीज द एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, और इस तरीके से हमारी फार्माकोकाइनेटिक जो प्रोफाइलिंग होती है ड्रग की, जिसमें एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन AD और D पार्ट है, वो ज़्यादा रोल प्ले करता है प्रोडक्ट में हमारा। तो ये है प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब कुछ एग्जांपल्स, जो कौन सी ड्रग्स हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लेट अस नाउ सी सम ऑफ द एग्जांपल्स जहाँ पे हम लोग ये प्रोड्रग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहला एग्जांपल है मेरा
आर्टेमिसिनिन का। आर्टेमिसिनिन बहुत ही रिनाउंड एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा एक्चुअल एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है आर्टेमिसिनिन का। बट ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर लिपोफिलिसिटी कम होती है। लिपोफिलिक ड्रग का मतलब होता है कि इसका हाइड्रोफोबिक नेचर बहुत कम है हमारा। तो इस ड्रग को लिपोफिलिसिटी इंक्रीज़ करने के लिए जो हमने लॉग पी वाला पैरामीटर पढ़ा हुआ है QSAR में, तो लॉग पी वाला पैरामीटर बढ़ाने के लिए इसका हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग इसका जो ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है इसको हम लोग वो कर देते हैं, ईथर लिंकेज लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग ईथर बना देते हैं। तो ये हमारा प्रोड्रग है। तो प्रोड्रग इज़ 8-मीथर। 8-मीथर को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं और बॉडी के अंदर जाके ये जो क्या करेगा, लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज़ करता है। और जब ये लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। जब ये बॉडी के अंदर जाता है फिर ये ब्रेक डाउन करके क्लीव होकर हमारी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसका, बायो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमारी बॉडी में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो इसका ड्रग का एक्टिव फॉर्म है और ये अपना डिजायर्ड थेरापेटिक एक्शन जो भी एंटी मलेरियल एक्शन है वो ये देगा जाकर। तो इस तरीके से ये वाला प्रोड्रग कॉन्सेप्ट आया जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टेमिसिनिन को एडमिनिस्टर करते हैं और बॉडी में जाके वो आर्टेमिसिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, बायो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड देन इट गिव्स डिजायर्ड एक्शन। सेकेंड वेरी यूजफुल एग्जाम्पल जो है इसका वो है हमारा क्लोरामफेनिकोल का। क्लोरामफेनिकोल सबको पता है इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला, मल्टीपल यूजेज होते हैं इसके, मल्टीपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास होती है उनको ये टारगेट करता है क्लोरामफेनिकोल। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी टेस्ट की सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक सॉल्विंग, मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक इज विच इज़ रिलेटेड टू जो हम लोग टेस्ट पैलेट को जो हम लोग को आता है, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गई, तो वो ऑर्गेनोलेप्टिक्स प्रॉपर्टीज़ बोली जाती हैं। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग ने किया, तो अब हमने क्या कर दिया इस पर, ये पामिटिक एसिड वाला पामिटेट ग्रुप लगा दिया हमने। तो पामिटेट ग्रुप लगाया तो इसको बन गया क्लोरोफेनिकोल पामिटेट। तो क्लोरामफेनिकोल जो पामिटेट होता है वो इसका प्रोड्रग होता है जो क्या होता है, टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा होता है और स्मेल अच्छी होती है, तो जिस वजह से टेस्ट जो ऑर्डर होता है और टेस्ट होता है वो इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हम लोग इसको एडमिनिस्टर करते हैं और बॉडी के अंदर जाके ये ईस्टरेज, ये इस लिंकेज से जाकर ईस्टरेज एंजाइम वगैरह आएगी, वो इसको क्लीव ऑफ कर देगी और फाइनली हम लोग को वापस से ये वाले फॉर्म में मिल जाएगा जो इसका एक्टिव फॉर्म है क्लोरामफेनिकोल, और वो अपना डिजायर्ड एक्शन दे देगा। तो हमारा जो बाकी प्रॉब्लम कहीं नहीं थी, प्रॉब्लम आ रही थी इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में इसका टेस्ट बहुत ख़राब था, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने पामिटेट ग्रुप लगा दिया जिसकी वजह से हम लोग इसको इजीली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड देन इट कन्वर्ट्स बैक इन वीवो, बॉडी में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारा क्लोरामफेनिकोल में और जो इसका एक्टिव फॉर्म है इस तरीके से ड्रग को ट्रीट कर देते, वो जो डिजीज़ है उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके प्रेजेंट हैं, यू कैन गो थ्रू देम एज वेल, बट दीज आर लाइक मोस्ट यूजफुल वन, तो मैंने इनको कोट किया यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो में ईजिली समझ में आ गया होगा प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे। सो यू कैन ईजिली राइट देम अप एंड मेक योर ओन नोट्स एंड यू कैन ईजिली प्रेजेंट इन योर एग्जाम्स। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो टिल देन, कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, और इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ पिंग मी, आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो। और तब तक के लिए वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।